हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीआईपी विजन स्टडी। आज हम आपको क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बताएंगे, यानी कि 3.6। ये आपके 2023 में एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लास्ट तक बने रहिए, 100% आपके समझ में आएंगे। और क्वेश्चन क्या है, पहला वाला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म परिवर्तित कर हल कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको हल करना है। इसमें एक्स और वाई का मान फाइंड करना है। तो ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारे पास दिया रहेगा, समीकरण सेकंड दिया रहेगा। तो आपको एक्स और वाई का मान फाइंड करना है। आप ऐसे डायरेक्ट सोचे कि हल करके निकाल दे तो ये नहीं निकल सकता, क्योंकि इसको आप रैखिक समीकरण युग्म से हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। आप 1/2x + 1/3y = 2 है, और 1/3x + 1/2y बराबर का ये दिया है 13/6 है। सबसे पहले आप इसको एक को मानिए, यहाँ पे देखिए, तो 1/x को हम मान सकते हैं a, 1/y को हम मान सकते हैं b। देखिए 1/x 1/y, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम a लिख देंगे ऊपर, और x का गुणन कितना है, कोफिशियंट 2 है, और प्लस यहाँ पे मान लीजिए कितना है, समझिएगा, यहाँ पे y लिखेंगे, y का कोफिशियंट कितना है, 3 है। तो बराबर का क्या दिया है आपके पास, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होता है, इसका यहाँ से, तो इसका पहले एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा, 2/3, यानी कि 6। अगर ये सम विषम होता है तो, इवन ऑड होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे फ्रैक्शन के रूल से, तो इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे कराएंगे तो 2y हो जाएगा बराबर का 2। अब यहाँ समझिए, अगर ध्यान से, अब ये चीज इधर डिवाइड में इधर जाएगा, इंटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 2y = 6 × 12। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक, अब सेकंड कैसे बनाएंगे, वैसे सेकंड में बनाएंगे, 1/x = a, 1/y = b। तो सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे a, a का बटा क्या है, यहाँ पे a का गुणज 3 है, यानी कि कोफिशिएंट, प्लस 1/y, यानी कि y, यहाँ y नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको b मानना है, b माने है इसको, तो b, और इसका गुणज कितना है, 2 है, बराबर का 13/6। तो देखिए इसको हम हल करेंगे, जब इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस इसका करेंगे तो 3b बराबर, यहाँ पे करेंगे 2/3, 6 बराबर का 13/6। तो ये जगह 6 से 6 कट जाएगा, अपने पास आ गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, समीकरण सेकंड आ गया। तो हमारा पहला और दूसरा समीकरण बन गया। अब आपको नॉर्मल हल करना है, x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, पहले हम दोनों समीकरण को थोड़ा पास में लिख रहे हैं। देखिए आप, अगर आप इसमें समीकरण यहां लिख सकते हैं, समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3, समीकरण एक में 2 का तथा तो देखिए समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में, यानी कि 3 से गुणा करने पर, अब देखिए समीकरण में हम गुणा करेंगे, समझिएगा। देखिए आपके पास है, इसमें है ये पहला समीकरण आपके पास है 3। अब आप इसमें कितने से 2 से गुणा कर रहे हैं, इसमें कितने से 3 से, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। पहले इस करेंगे तो 2/6 ए आ जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो 2×4y, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे y नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे b होगा, समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, b लिखा जाएगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, b होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, b होगा। 2×4 तो 2/6 प्लस 2×4b बराबर, और 12×24, ये समीकरण एक है। अब इसमें कराएंगे तो 3×6a, इसमें कराएंगे 3×9 प्लस का 9 ही, अब इसमें कराएंगे 13×39 बराबर 39, समीकरण 2। ठीक, अब समझिएगा, अब देखिए आप, अगर हम लिख दें यहाँ पे, लिख भी सकते हैं आप, समीकरण एक में 2 को घटाने पर, यानी कि आप घटा रहे हैं, घटाने, अब देखिए घटाइएगा कैसे घटाएंगे, घटाने में आपको पता है
कि अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ नॉर्मल हरदम प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। देखिए आपस में दोनों बढ़ गए, इसके बाद देखिए ये चीज घट जाएगा, नौ में से चार जाएगा तो कितना आएगा माइनस का पांच भी आ जाएगा बराबर, इसको घटाएंगे कितना आएगा, देखिए नौ में से इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नौ में से, नौ में चार जाएगा कितना बचेगा पांच, इसको घटाएंगे तीन में से दो जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान समझे, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो b बराबर हम लिख सकते हैं पंद्रह बटा पांच, तो काटेंगे पांच यही पंद्रह, यानी कि b का मान हमारा कितना आ गया तीन, b का मान तीन आ गया। b का मान समीकरण एक में रखने पर, अब b का मान आप यहाँ पे लिख सकते हैं, b का मान मान समीकरण एक में रखने पर, b का मान समीकरण एक में रखने पर कैसे किस तरीके से रखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समीकरण आपके पास क्या है, एक पहले क्या था, ये था क्या है, थ्री ए प्लस टू बी बराबर बारह, तो आप इसमें इसका मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे थ्री ए प्लस टू इंटू बी का मान क्या है आपके पास, बी का मान है थ्री, ठीक बराबर बारह। तो यहाँ देखेंगे थ्री ए प्लस, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं भाई साहब, अब देखो थ्री ए प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करें दो तीन सिक्स, दो तीन छः बराबर यहाँ कितना हो गया बारह। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ बता रहे हैं आपको, देखिए थ्री ए बराबर यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा बारह, इधर ही ये चीज़ इधर जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में छः, देखिए थ्री ए स्क्वल टू इसको घटाएंगे तो छः आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा छः बटा तीन, तीन दोनों छः, ए का मान आ गया आपका दो, तीन दोनों छः, यानी कि बी का मान निकल गया आपके पास और ए का मान भी निकल गया। अब आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे लास्ट तक बने 100% समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या आप माने थे, देखिए वन अपान एक्स को हम माने थे, वन अपान एक्स बराबर हम ए का मान क्या है यहाँ पे अपने पास, ए का मान है दो, दो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वन भी लगा सकते हैं डायरेक्ट इसका, यहाँ पे अगर देखे तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ जाएगा दो आ गया। अब वन अपान वाई को क्या माने हैं, वन अपान वाई को, वन अपान वाई वाला क्या भी है, ये बी, बी का मान क्या आपके पास है, ए यहाँ पे तीन है, देखिए बी का मान तीन था तो वाई का मान क्या निकल के आ गया अपने पास तीन। और आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना आ रहा है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, वन अपान एक्स बराबर दो बट्टा एक लगा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक आएगा, एक्स बराबर ये तो दो, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें कराएंगे तो वन आएगा भैया, इसमें कराएंगे तो बराबर का दो एक्स, इस अब इसको करेंगे तो बराबर देखिए एक्स बराबर कितना जाएगा दो, एक नीचे आएगा पर कोई मतलब नहीं होगा दो ही हो जाएगा। तो आप इसको निकाल लेंगे, आपके समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन था 3.6 का मैथमेटिक्स क्लास टेंथ के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप, आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।